तो गाइज एपिसोड नंबर 42 स्टार्ट होता है, जहाँ पे देखते हैं कि सारे बच्चे बहुत अच्छा ड्रेस पहने हुए हैं। कुरुसन से बताते हैं कि आज है वैलेंटाइन डे और तुम अपने दोस्तों के साथ अच्छे से मस्ती करना। और उसके बाद कुरुसन से बोलते हैं बल्कि मुझे कुछ काम करना है, एंड न्यू ईयर भी चल रहा है अभी इस एनिमी के एपिसोड में। और उसके बाद देखते हैं नागिसा बोलता है कि आखिर वो ग्रेजुएशन के बाद क्या करेगा, और इसी महीने हमें कुरुसन से को असैसिनेट करना है। एंड सारे बच्चे बोलते हैं कि हम जब इस ग्रेजुएशन कर लेंगे तो उसके बाद हम एक अच्छे स्कूल में जाएंगे। एंड कर्मा बोलता है कि हम भी एक अच्छे स्कूल में जाएंगे। फिर अगले सीन में नागिसा को दिखाया जाता है जो कि वो साकरा को पढ़ाता रहता है। एंड साकरा बोलता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम मुझे सही से पढ़ा नहीं पा रहे हो। तो नागिसा बोलता है कि ठीक है, फोकस करो। एंड उसके बाद जो साकरा रहती है वो बोलती है कि तुम टीचर बनना चाहते हो ना, तुम बहुत अच्छे टीचर बनोगे। तो नागिसा बोलता है कि मैं तो काफ़ी अच्छा फोकस भी करता था क्वेश्चन के ऊपर। एंड उसके बाद देखते हैं नागिसा सोचता है कि हम टीचर ही। और उसके बाद देखते हैं कि जो नाकामुरा एंड कार्मा रहते हैं वो परेशान करते हैं कायनो को। वो बोलते हैं कि जाओ जाके गिफ्ट दे दो नागिसा को। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि तुमने किस दिया था, तो ये ऐसा तुम कर ही सकते हो। तो उसके बाद कायनो बोलते हैं कि नहीं, मैं ये गिफ्ट किसी और के लिए लाए हूँ। तो उसके बाद कार्मा बोलते हैं किसके लिए। तो उसके बाद कायनो बोलते हैं हाँ, मैं नागिसा के लिए ही लाए हूँ। तो उसके बाद देखते हैं कार्मा बोलता है कि तुम्हें ये करना होगा, और उसके लिए तुम्हें मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल्स। और उसके बाद देखते हैं कि सारे बच्चे अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। कोरल सेंसर रहते हैं वो बहुत असली तरीके से उन सबकी फोटो खींचते हैं। एंड अब कायनो के अंदर आ चुकी हिम्मत कि वो देगी टॉफी नागिसा को। एंड नागिसा वही सोचते हुए आता है कि हम टीचर बनेंगे। तो उसके बाद कायनो आती है, वो बोलती है तुम कैसे हो। एंड उसके बाद वो माफी मांगता है नागिसा उसके इसके लिए। तो उसके बाद कायनो बोलती है कोई बात नहीं। एंड उसके बाद वो उसे एक चॉकलेट देती है, वो बोलते हैं कि चलो कल मिलते हैं। एंड उसके बाद वो पूछती है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या करोगे। तो नागिसा बोलता है कि मैं एक टीचर बनने की ट्राई करूंगा कोरो सेंसेई की तरह, और वो वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद कामा बोलता है कि ये बुरा भी नहीं था। एंड कोरो सेंसेई तो कुछ अलग ही देख रहे हैं, वो बहुत गंदे हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है। और उसके बाद देखते हैं मिस बिच कारासुमा को देती है टॉफी जो बच्चे उनको दिए रहते हैं, कितनी दयालु हो गई हैं। एंड वो बोलते हैं कि चलो हम लोग साथ मिलके कहीं डिनर करने चलते हैं। तो कारासुमा बताते हैं कि हम शायद मकसद भूल चुके हैं, हमें कोरो सेंसेई को असैसिनेट करना है। एंड फाइनली गवर्नमेंट के लोगों ने फैसला किया है कि आज रात कोरो सेंसेई की आखिरी रात होगी। एंड यार सभी लोग बहुत डर जाते हैं। एंड अचानक से प्रिंसिपल आते हैं, वो कोरो सेंसेई से बोलते हैं कि अगर तुम इस साल जीते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस क्लास को पढ़ाओ, इस क्लास को तुम्हारी ज़रूरत है कोरो सेंसेई। तो उसके बाद जो कोरो सेंसेई रहते हैं बोलते हैं कि अगर ऐसा होता है तो मुझे सच में बहुत खुशी होगी। और उसके बाद देखते हैं कि अब शाम हो चुकी है। एंड तो कारासुमा बोलता है बीच से कि आज की रात कोरो सेंसेई की आखिरी रात होगी, क्योंकि कोरो सेंसेई के ऊपर आज अटैक किया जाएगा। एंड मिस बोलती है क्या ऐसा सच है। तो उसके बाद कारासुमा बोलता है हाँ, और ये एकदम कंफर्म है। तो उसके बाद मिस बोलती है तो बच्चे करने वाले थे। तो कारासुमा बोलते हैं इसे गवर्नमेंट पे छोड़ो। उसके बाद कारासुमा कुछ ऐसा बोलता है जो मिस का दिमाग ठीक हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम मेरे घर रह सकती हो हमेशा। दोस्तों इसी के साथ एसएसएनसी क्लासरूम का एपिसोड नंबर 42 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 43 स्टार्ट होता है, जहां पे देखते हैं नागिसा ने ग्रेजुएशन के बाद जब वो दूसरे कॉलेज में जाएगी तो उसने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। तो नागिसा बहुत खुश रहता है। एंड उसके बाद कुरुसन से बोलते हैं मैं बहुत खुश हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अपने जो स्कूल में जाना चाहते हो तुम लोग जाओ। एंड इसी खुशी में हम तुम लोग के लिए कुछ ऐसा करने वाले हैं, हम तुमको कुछ गिफ्ट देंगे। एंड कुरुसन से बोलते हैं कि इस क्लास में जितने भी एक साल के अंदर जो भी हुआ मैंने कैमरा के अंदर कैप्चर किया है, मेरे पास 10,000 से भी ज़्यादा डिफरेंट फोटोज हैं। तो उसके बाद सारे बच्चे पगला जाते हैं। एंड वो बोलते हैं कि कौन कौन से फोटो होगी, लेकिन कोरो सेंसेई के पास सच में बहुत खतरनाक फोटो है, जिसको देखने के बाद सारे बच्चे काफी ज्यादा एंबैरेसमेंट हो जाते हैं। एंड यार हद तो तब हो जाती है जब एक लड़का नंगा आता है, बस टाई लगा ले। तो सारे बच्चे जो खराब फोटो कोरो सेंसेई ने खींची उसे फाड़ देते हैं। एंड वो बोलते हैं कि कोरो सेंसेई आप तो धन्य हो। एंड कोरो सेंसेई बोलते हैं कि चलो मैं तुम लोग की फोटो खींच देता हूँ कॉस्प्ले करते दौरान। एंड कारासुमा बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है। तभी कोरो सेंसेई कारासुमा को पकड़ लेते हैं। एंड वो पता नहीं कहाँ से गेटअप करते हैं दोनों लोगों का। एंड क्या बताएं, उसके बाद जो साकुरा रहती है वो बहुत ज्यादा डर चुकी रहती है। तभी जो नागिसा रहता है वो बोलता है अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करो, शांत रखो, तुम इसे कर लोगे। एंड नागिसा सच में
में बहुत अच्छा टीचर बन सकता है। एंड वो जाता है फाइनली कोरो सेंसे से बोलता है कि मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। तो कोरो सेंसे बहुत खुश होते हैं, इनमें बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड उसके बाद कारसमा बोलता है कि तैयार हो जाओ, आज तुम्हें असैसिनेट किया जाएगा। एंड उसके बाद देखते हैं कि उन्हें फ़ोन आता है कि तुम वहाँ से जल्दी से हट जाओ। एंड उसके बाद देखते हैं कि ऊपर सैटेलाइट से वो सैटेलाइट अपने आप को स्कैटर्ड करती हैं एंड वो एक बीम लाइट को छोड़ती हैं जो कि रेड कलर की रहती है। एंड रेड कलर की रहती है, आपको पता है रेड बहुत डेंजर होता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि यार वो जो बीम लाइट रहता है वो पूरे स्कूल के ऊपर गिरता है। एंड अब लगता है कि कोरोसेन से मर चुके हैं, हमें भी लग रहा है कोरोसेन से मर चुके हैं, बट ऐसा नहीं है। कोरोसेन से उसे डॉज कर देते हैं बट थोड़े से उन्हें चोट भी लग जाती है। एंड कोरोसेन से बोलते हैं कि ये क्या हो। और उसके बाद देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का इतना तगड़ा यूज़ किया गया कोरोसेन से के ऊपर, उन्हें एक बीम लाइट के अंदर कैद कर दिया गया है। एंड उसके आर पार कोरोसेन से जा नहीं सकते, अगर गए तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब नागिसा को लगता है ये क्या हुआ था, अभी बहुत जोर का बम ब्लास्ट हुआ था। एंड उसके बाद देखते हैं जैपनीज के जो प्रेसिडेंट, जिस क्रिएचर ने मून को तबाह किया था, वो हमारे ही देश में रहता है। 3E स्कूल में वो बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें टॉर्चर कर। सारे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। कोरोसेंसे को तो हम असैसिनेट करने वाले थे। एंड सारे बच्चे जाते हैं कोरोसेंसे को देखने, लेकिन वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर आते हैं, वो बोलते हैं आप हैं 3E के स्टूडेंट, आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, आप कैसे एक साल झेल लिए उन मास्टर। तभी एक लड़की बोलती है कि कोरोसेन से कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो एक अच्छे टीचर है। एंड उसके बाद वो रोने लगती है। एंड सारे जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, पता है ना आपको TRP के लिए सब बहुत कुछ करते हैं, सारे बच्चे जाते हैं कारसुमा के पास। एंड वो बोलते हैं कि हम कोरोसेन से को असैसिनेट करने वाले थे। तो ये क्या चीज़ है, कारसुमा बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, गवर्नमेंट पे ये छोड़ दो। तो नागिसा बोलता है कि हमारी इतनी सारी मेहनत तो बेकार हो जाएगी ना सर। तो उसके बाद कारसुमा बोलता है अब इसे टाला नहीं जा सकता है। तो उसके बाद नागिसा बोलता है लेकिन कोरोसेन से चाहते थे कि हम उन्हें असैसिनेट करें और प्लीज़ आप इसे रोक दीजिए। लेकिन कारसुमा गुस्सा होकर नागिसा को मारता है। एंड तभी कारमा बोलता है नागिसा से कि तुम्हें इसे करने की ज़रूरत नहीं है, इनसे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये तो रूल को ही फॉलो करेंगे। एंड कारसुमा अपना थोड़ा सा दिमाग लगाता है एंड वो बोल देता है सबके घर के सामने पहरेदार लगा दो कि ये घर के बाहर नहीं निकल पाए जब तक ये असैसिनेशन चले। एंड कोरोसेन से अंदर अपने क्लासरूम को साफ करते हैं। एंड वो बहुत अजीब तरीके से बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही, वो उन्हें पता चल चुका है कि वो आज आखिरी दिन है। तो कोरोसेन से बोलते हैं कि मेरी आखिरी विश है कि मैं अपने बच्चों को एक बार और देख सकूं। एंड सारे बच्चे फंस चुके हैं एंड वो अपने फ़ोन से बात कर रहे हैं, वो प्लान बना रहे हैं कि कैसे वो कोरोसेन से के पास जा सकते। दोस्तों यार इसी के साथ असैसिनेशन क्लासरूम का एपिसोड नंबर 43 ख़त्म होता है। एपिसोड नंबर 44 स्टार्ट होता है, जहाँ पे देखते हैं कि सारे बच्चे प्लान कर लिए हैं कि वो कैसे जाएंगे। वो अपना असैसिनेशन वाला कपड़ा पहन लेते हैं एंड वो सब पूरा प्लान कर लिए हैं कि वो आखिर कैसे जाएंगे। तो उसके बाद देखते हैं कि सारे लोग गैदर हो चुके हैं एंड स्नैप शूटर भी रखे गए हैं, जो स्नाइपर दूर से चलाते हैं, दो लड़के वो सब दूर से ही इन लोग की मदद करेंगे। एंड सबको पता चल चुका है, जो सिक्योरिटी वाले उन्हें पता चल चुका है कि वहाँ पे बच्चे आए हैं। तो कारसुमा बोलते हैं उनकी चिंता मत करो, सब वहाँ पे जो गार्ड हैं उन्हें संभाल लेंगे। लेकिन कारसुमा ये बहुत बड़ी भूल रहती है, जो कारमा की टीम है या फिर नागिसा की टीम है, जो उसकी भी टीम बोलो, 3 वाले स्टूडेंट यार कमाल के हैं यार, वो सब एक सोल्जर्स को आराम से डिफीट कर देते हैं। एंड यार हाँ देखते हैं कि यार वहाँ पे जो भी सोल्जर उन्हें डिफीट कर देते हैं, उनके बाद उन्हें बिजली का झटका दिया जाता है, उन्हें मारते नहीं है भाई, मार देंगे पागल हो। तो उसके बाद देखते हैं कि यार वो लोग फाइनली उस कोले के अंदर चले जाते हैं। कारसुमा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि 3E वाले इतने कैपेबल भी होते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कोरोसेन से बोलते हैं कि मुझे लग ही रहा था कि तुम सब जरूर मुझसे मिलने आओगे। तो उसके बाद कोरोसेन से बोलते हैं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो उसके बाद जो कोरोसेन से रहते हैं वो बोलते हैं नाकामुरा मुझे प्लीज़ आखिरी बार मुझे उसे खाना है। तो उसके बाद जो नाकामुरा रहती है बोलती है ठीक है आज आपका बर्थडे है और मैंने इसे बहुत ज़्यादा बचा कर लाया है। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा चिंतित है कि आखिर आज कोरोसेन से मर जाएंगे। एंड सारे बच्चे बोल रहे हैं कि प्लीज़ सर हम नहीं चाहते हैं। तो कोरोसेन से बताते हैं कि लाइफ में मरना और जीना लिखा रहता है। एंड तभी देखते हैं कोरोसेन से केक को काटने जाते हैं, लेकिन तभी मेन बॉस यानी शीरो आ जाता है एंड नागिशावा जो भी बोल लो वो आता है। वो बोलता है कोरोसेन से तुम्हें तो मैं ही असैसिनेट करूँगा। और उसके बाद वो अपने नए क्रिएचर को लेके आ रहता है एंड वो क्रिएचर कोरोसेंसे का फर्स्ट स्टूडेंट रहता है, जो कि कोरोसेंसे को तब से जानता है जब से कोरोसेंसे डिटेक्टिव थे पहले ना,
तो उसके बाद वो बोलता है कि मैं आपकी स्किल्स को सीखना चाहता हूँ। एंड उसके बाद मिसेस कायनो भी बताती है कि वो लड़का आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। तो उसके बाद कोरोसन से बोलते हैं कि ये तो मेरी गलती थी। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो जो उनका पहला स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कोरोसन से की स्पीड की दुगनी स्पीड में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब कि वो मैक 40 की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। तो उसके बाद देखते हैं शीरो बोलता है कि आज तो तुमका है। एंड वो उसके बाद देखते हैं वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है कोरोसन से को पर, एंड कोरोसन से की एल लगा के रख देता है। एंड कोरोसन से बोलते हैं जो असैसिनेशन वाले होते हैं वो हमेशा अपने दिमाग और अपनी पावर को सही जगह यूज़ करते हैं। एंड कोरोसन से बोलते हैं कि मुझे अपनी पावर को लगता है यहाँ यूज़ करना ही होगा। यार इसी के साथ असैसिनेशन क्लासरूम का एपिसोड 44 ख़त्म होता है। एपिसोड नंबर 45 स्टार्ट होता है जहाँ पे कोरोसन से बहुत सीरियस हो चुके हैं। एंड यार वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट कर रहे हैं, हैंड टू हैंड नहीं यार स्पीड की फाइट कर रहे हैं। एंड यार वो जब भी एक दूसरे से टकरा रहे तो बहुत जोर का ब्लास्ट हो रहा है। एंड सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो करे तो करे क्या। एंड ब्लास्ट इतना जोर का हो रहा है कि यार पूरा जैसे लग रहा है भूकंप आ गया है। एंड कोरोसन से बोलते हैं कि मुझे ये मैच को जीतना ही होगा और मुझे अपने बच्चों को भी बचाना होगा। फिर हमें फिर से पास दिखाया जाता है जहाँ पे कोरोसन से किसी के डैड को मार दिए रहते हैं। एंड उसी का लड़का बोलता है कि प्लीज़ आप मुझे वो टेक्निक सिखा दिए रहते हैं। जी हाँ, वही लड़का जो कोरोसन से का फर्स्ट स्टूडेंट रहता है वो अभी यहाँ पे डीमन बना रहता है। एंड वे आर वो जो क्रीपी वॉइस निकालता है उसे मैं बता नहीं सकता हूँ। एंड उसके बाद देखते हैं वो कोरोसन से के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवी पड़ता है। नागिसावा बोलता है कि तुम कब तक अपने बच्चों को बचा पाओगे। एंड उसके बाद वो अपने दिमाग को यूज़ करता है, वो बोलता है उससे कि तुम अपना जितना भी पावर इन बच्चों के ऊपर यूज करो क्योंकि उसे बचाने जरूर आएगा। एंड यही होता है, कोरोसन से बच्चों की वजह से बहुत ज्यादा पीट जाते हैं। करमा चचा आते हैं नागिसावा को रोकने, उन्हें नहीं मालूम कि नागिसावा अलग लेवल पे है। एंड वो कारासमा की एक सेकंड में ले लेते। कोरोसन से बोलते हैं कि मुझे फक्र है अपने स्टूडेंट पे, मुझे ना से कि मैंने इन लोग को पढ़ाया। एंड उसके बाद देखते हैं कि कोरोसन से और ज़्यादा पिटाई होती है उनकी। तो उसके बाद कायनो बोलती है कि मैं तब तक संभालती हूँ कोरोसन से, तब तक आप आराम करिए। लेकिन कायनो की ये बहुत बड़ी भूल रहती है एंड कायनो को एक बार में ही मार डालते हैं। जी हाँ, कायनो मर चुकी है। एंड उसके बाद देखते हैं कि कोरोसन से का जो एंगर रहता है वो मैं बता नहीं सकता हूँ। कोरोसन से बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड उसके बाद देखते हैं कोरोसन से का जो रंग रहता है वो कभी ग्रीन, ब्लू, रेड सब होता है। तो उसके बाद कोरोसन से ने खुद बताया था कि अगर उनका कलर येलो रहता है तो वो अच्छे हैं, एंड अगर उनका कलर रेड होता है तो वो बुरे हैं। तो उसके बाद वो बताते हैं कि उनका हर एक कलर उनका एक इमोशन है। तो उसके बाद देखते हैं कि वो उस मॉन्स्टर का पूरा पावर को एब्जॉर्ब करके उल्टा वो नागिसावा के ऊपर एंड उस मॉन्स्टर के ऊपर यूज कर देता है। एंड उसके बाद कोरोसन से का पास दिखाया जाता है जहाँ पे उस लड़के से कहता है कि तुम काफ़ी अच्छे लड़के हो, तुम घर पे रह रहे हो तो तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। एंड उसके बाद कोरोसन से बोलता है मुझे माफ़ कर दो। एंड वो बोलता है कि मुझे ना से कि तुम मेरे पहले स्टूडेंट थे। एंड उसके बाद वो जो उनका पहला स्टूडेंट रहता जो मॉन्स्टर के फॉर्म में, वो तब भी रोता है कोरोसन से के लिए। फाइनली द मैच वॉज ओवर बट जो कायनो है वो मर चुकी है। लेकिन कोरोसन से अपना दिमाग लगाए रहते हैं, जितना भी सेल्स कायनो का निकला रहता है उसे वो इकट्ठा कर लिए रहते हैं उतने कम सेकंड के अंदर। एंड कोरोसन से उसे तुरंत ठीक कर देते हैं क्योंकि कोरोसन से के साथ ऐसा ही इसके बहन के साथ जब हुआ था तो वो नहीं कर पाया था, लेकिन अगर उनके साथ ऐसा फ्यूचर में होता इसीलिए उन्होंने ये टेक्निक सीखा हुआ था। एंड उसके बाद देखते हैं कायनो जग जाती है। फिर उसके बाद कोरोसन से कायनो की बहन से बोलते हैं मुझे सच में नाज है कि मैंने इन्हें पढ़ाया। गाइस यार इसी के साथ असैसिनेशन क्लासरूम का एपिसोड नंबर 45 खत्म हो जाता है।